यहाँ एक शेरनी सुअर का शिकार करने उसके पीछे दौड़ती है और सिम्बा नामक शेर आकर उसे बचाता है। तभी सिम्बा को पता चलता है कि यह उसकी बचपन की दोस्त नाला है। नाला उसे घर चलने के लिए कहती है पर सिम्बा मना कर देता है। निराशा में चलते हुए सिम्बा को एक वानर मिलता है। वो कहता है मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ। इतना सुनते ही सिम्बा उसके पीछे दौड़ लगाता है। वो वानर पानी में सिम्बा को परछाई में उसके पिता को दिखाता है और तुरंत आकाश से सिम्बा को पिता की आवाज़ आती है और सिम्बा को एक सच्चा राजा होने के एहसास दिलाते हैं। सिम्बा अपने गौरव भूमि जिसे वो छोड़ गया था वहाँ लौट आता है। सिम्बा स्कार को उसके माँ पर हमला करते हुए देखता है और सिम्बा बड़ी गुहार लगा के स्कार को रोकता है, लेकिन स्कार उसे उसके पिता के मौत का दोषी ठहरा कर चट्टान की ओर धकेल देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पिता को मैंने ही मारा। इतना सुनते ही सिम्बा स्कार की दाढ़ी दबाकर ऊपर आता है और जोरों से हमला करके स्कार को चट्टान से नीचे धकेल देता है और लकड़बग्गी स्कार को मार डालते हैं।